केले के छिलके अक्सर आप फेंक देते होंगे, लेकिन आज केले के छिलकों की एक ऐसी टिप लेके आए हैं जिसकी मदद से आपके हजारों रुपए बचेंगे। लेकिन कैसे होगा कि ये वेस्ट केले के छिलकों से आपके बहुत पैसे बच जाए, उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बना रहना होगा। इस केले के छिलके की खास टिप को शुरू करने से पहले आप मुझे ये जरूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है अंजलि जी को जम्मू से और कोमल जी को फरीदाबाद से। दोस्तों, इसके लिए हम अक्सर केले तो खाते हैं, लेकिन आज हमने उसके कुछ छिलके बचा के रख लिए हैं। एक थाली में केले के कुछ छिलके निकाल लिए हैं, जिनको आप चाहें तो अलग अलग करके रख सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना देरी करे इन केलों के छिलकों को इनकी एक एक पतली पतली स्ट्रिप निकाल के इसी प्लेट में रख लेता हूँ। इन केलों के छिलकों से आज एक ऐसी खास चीज़ बना के दिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप बहुत पैसे खर्च करते हैं, बाजार जाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको मिलने वाली है और बहुत काम आएगी। तो ये छिलके हमने एक एक करके निकाल लिए हैं। अब लेते हैं दोस्तों एक कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं कुछ पानी। पानी के साथ साथ दोस्तों हमें इस गैस को फटाफट ऑन कर देना होगा, ताकि ये जो पानी है थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाए। इतने में हम सारे केले के छिलकों को इसमें ले आते हैं और हमें इनको बॉयल करना है। बॉयल करते वक्त दोस्तों हमें एक दो चीज़ों का बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमने इसमें 2 चम्मच नमक डालना है। पहले 1 चम्मच डाल दीजिए और उसके थोड़ी सी देर बाद 1 चम्मच और डाल दीजिए। नमक डालने के बाद एक करछी की मदद से इस पूरे को अच्छे से घुमा लीजिए और इसके बॉयल आने का इंतज़ार कर लीजिए। केले से आप ये जो टिप बना के तैयार करेंगे, यह आपकी झटपट तैयार हो जाती है। मात्र 3 से 4 मिनट में ही पूरा का पूरा ये टिप तैयार हो जाएगी। तो आपको इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है इस नमकीन पानी में। अब आप देखेंगे इसका बॉयल आ रहा है, तो आपको 1 चम्मच और इसमें डाल देना है नमक का। पहले 1 चम्मच और उसके बाद 1 चम्मच और। ये एक एक करके क्यों डाला है अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन अब आपको फिर से इसको करछी की मदद से मिक्स कर लेना होगा। करछी की मदद से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको ढक लीजिए, ताकि आपके जो केले हैं वो अच्छे से नरम पड़ जाए। केलों को इसमें हमें अच्छे से नरम करना होता है, तो इसीलिए हम इसको ढक लेंगे। अब आप 1 मिनट के लिए ढक लीजिए, ताकि नरम हो जाए केले के छिलके अच्छे से, और उसके बाद इसको हटा लीजिए। अब मैंने इसको हटा लिया है, तो अब मैं इसके गैस को बंद कर दूंगा। जल्दी आप इसके गैस को बंद कर देंगे और इसका इंतज़ार करेंगे कि ये नॉर्मल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये ठंडा जल्दी हो जाए, तो आप क्या कीजिए, इस सारे के सारे छिलकों को एक प्लेट में या किसी भी बर्तन में अलग से निकाल के रख सकते हैं बंद करने के बाद। तो चलिए, अब मुझे लग रहा है ये सही समय आ जाएगा इसको बंद करने का, और मैंने अब इसको बंद कर दिया है। मैं अब निकालने जा रहा हूँ इन छिलकों को, लेकिन निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया करछी की मदद ज़रूर ले लें। पानी बहुत गर्म होगा और ये आसानी से निकल जाएगा एक थाली में। अब निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ठंडा आराम से भी हो सकता है, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, उससे भी ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप 2-4 बर्फ़ की क्यूब्स डाल के रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। तो मैं तो बर्फ़ की क्यूब्स डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। 1-2 मिनट के बाद ये क्यूब्स थोड़ी पिघल जाएंगी और जो केले हैं थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो आप इसको डाल दीजिए मिक्सी के जार में। इसका एक दरदरा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा मिक्सी के जार में डालने के बाद। 2 चम्मच के आसपास दही ज़रूर डालिएगा, लेकिन उससे पहले। तो ये हमने बंद करना है ढक्कन, और कुछ इस तरीके का दरदरा पेस्ट हमें मिलके तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें 1 कप के आसपास पानी डाल दें, ताकि ये जो दरदरा पेस्ट है अच्छे से मुहिम हो जाए। ये मुहिम हो जाएगा तो हमारी आगे की प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब एकदम फाइन पेस्ट मिल गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें केले के और दही के अच्छे से गुण आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने वेस्ट केलों के छिलकों का इस्तेमाल किया था। अब आप क्या कीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, एक छन्नी ले लीजिए, और इसका जो पानी है वो निकाल दीजिए। ये पानी हमारे किसी काम का नहीं, हमने पानी सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए डाला था। और मैं आपको बताता हूँ, जो शुरू में हमने इसको केले को जो धोया था, जो उबाला था नमकीन पानी में, वो इसलिए उबाला था ताकि अच्छे से नमकीन पानी में इसके सारे गंदगी निकल जाए, अच्छे से धुल भी जाए और हमें एकदम साफ़ सुथरे छिलके भी मिल जाए। और एक एक करके इसलिए डाला था, पहले जो नमक वाला पानी हो थोड़ा सा नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद दोबारा डाला ताकि नमक की कमी ना हो और ये अच्छे से साफ हो छिलके। अब क्या है दोस्तों, पानी हमारे किसी काम का नहीं है, ये पल्प हमारे काम का है। जो पल्प है हमने ले लिया है। अब इस पल्प का आपको क्या करना है, इस पल्प में एक खास चीज़ डालनी है जो घर पर आसानी से मिल जाती है, वो होने वाली है दोस्तों शहद। शहद तो सभी के घर पे होती ही है, तो चलिए इसमें 1 चम्मच के आसपास शहद डाल दीजिए। अभी आपका शहद डालने के बाद इसको आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अभी इतना शानदार और बढ़िया फेशियल और फेस पैक बनके तैयार हुआ है, जो मैं कहूँगा महंगे महंगे
500, 1000, 2000 रुपए के भी होते हैं ना बाजार में, उसको टक्कर देने वाला और इंस्टेंट घर पे आराम से आपको मिल जाएगा। इसको आप अपने हाथों पे, शरीर पे, कोहनी पे, चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है, केले के छिलके, दही और शहद, और इतना गुणकारी होते हैं ये, आप कभी भी ट्राई करके देखिएगा, इतना ज़्यादा बढ़िया लगेगा, आपको लगेगा कि भाई सच में केले के छिलके तो कभी नहीं फेंकने चाहिए। दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, ये ट्रिप कैसी लग रही है, और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चेहरे पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाते जाते ये ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और ऐसे सर्कुलर वे में ही इसको लगाइएगा और बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मैं चलता हूँ, थैंक यू।